एक और बच्चों छोटी सी अमेंडमेंट है, पेपर के लिए ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, मैं इस पे ज़्यादा दाव नहीं खेलूंगा या ज़्यादा मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं बोलूंगा। TDS की रिटर्न्स जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ TDS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ TDS। ये कौन फाइल करता है? डिडक्टर। कौन फाइल करता है जल्दी बताओ? डिडक्टर। ये जो जाती हैं, इनका जो पीरियड होता है दैट इज क्वार्टरली। कैसे जाती हैं ये? क्वार्टरली। अब ये स्टेटमेंट फाइल करते समय आपसे कोई मिस्टेक हो गई, सर अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो यस, उसको करेक्ट करने का ऑप्शन होता है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बट लॉ में इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था। अब इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया गया कि सर जो भी पर्सन है जिसने वो स्टेटमेंट फाइल करी थी, वो अब प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, मेरे साथ साथ बोलो जरा किसको, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को एक करेक्शन स्टेटमेंट दे सकता है। क्या दे सकता है? करेक्शन स्टेटमेंट। ये नए वर्ड्स आए बच्चों। करेक्शन स्टेटमेंट किस लिए दी जा सकती है? रेक्टिफिकेशन के लिए, अगर कोई गलती हो गई तो, या कुछ भी, ऐड, डिलीट या अपडेट करने के लिए। किसके अंदर? स्टेटमेंट ऑफ TDS के अंदर। तो स्टेटमेंट ऑफ TDS फाइल करते समय अगर आपसे कोई गलती हुई है तो सर उसको आपने रेक्टिफाई करने के लिए करेक्शन स्टेटमेंट फर्निश कर देनी है। और ये बात कि करेक्शन स्टेटमेंट फर्निश हो सकती है, फाइनेंस एक्ट 2014 ने स्पेसिफिकली सेक्शन 200 के अंदर ऐड कर दी है। राइट, अगेन बड़ी छोटी सी अमेंडमेंट। मैं सर इस अमेंडमेंट को सिर्फ एक ही स्टार दूंगा और ये एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यू कैन जस्ट रीड इट। क्या करेक्शन स्टेटमेंट फाइल हो सकती है अगर TDS की स्टेटमेंट में कुछ गलती है? आंसर इज यस, फाइल हो सकती है।